विवादों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत इन दिनों अपने पति आदिल खान दुर्रानी को जेल भेजवाने को लेकर लाइमलाइट में है। इस बीच उनकी शर्लिन चोपड़ा से दोस्ती भी हो गई। वहीं कुछ समय पहले दोनों के बीच गंदी कैटफाइट भी हुई थी, यहां तक कि शर्लिन ने राखी के खिलाफ पुलिस केस भी किया था। हालांकि अब उनका बॉन्ड ठीक हो गया है। 15 फरवरी साल 2023 की रात राखी और शर्लिन चोपड़ा को एक साथ स्पॉट किया गया था। वहीं इस दौरान राखी ने शर्लिन को अपना दर्द हाल बयां किया। राखी ने कहा कि प्यार करते करते शादी कर ली और कुछ समझ नहीं आया, बर्बाद होती गई। तो वहीं इस पर शर्लिन ने कहा, हमारी मुलाकात 9 फरवरी को हुई थी। मैंने राखी से पूछा कि आपको आपके जीवन का राजकुमार मिला, आप खुश क्यों नहीं हो? फिर पता चला कि इनके जीवन का राजकुमार दुनिया का सबसे महान ठग निकला, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनके साथ फरेब करता है। वहीं इसके साथ ही शर्लिन ने आगे कहा कि जब राखी ने मुझे हाल ही में ये बताया कि मैसूर की कोई ईरानी लड़की उनके झांसे में आ गई और कैसे इनके पति ने उनका यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, इस बंदे ने कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने जब साजिद और सलमान खान के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब राखी भी उनके खिलाफ हो गई थी। इसके चलते दोनों के बीच पहली जुबानी जंग भी हुई थी और फिर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस केस भी कर लिया था। इसके चलते राखी को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि आदिल के जेल जाते ही अब राखी और शर्लिन दोस्त बन गई है। ऐसे और भी बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेलिब्रिटी 24।